क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरे शुरू जनता नहीं होती क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

तान्या सोलंकी ने 156 आउट ऑफ 160. तान्या बेटा एक क्वेश्चन कहां गलत हुआ मुझे बताना जरूर आप एक क्वेश्चन गलत नहीं किया है और ये अच्छी बात है एक नंबर प्लस मिलता है आपको ठीक है रॉन्ग किया तो एक माइनस आता है ओंकार कुमार वन फिफ्टी सेकेंड रैंक पे उसामा फैज वन फिफ्टी अनिकेत वन फिफ्टी हर्षल वन फिफ्टी ठीक है प्रांजलि 150 फिफ्टी प्रांजलि बेटा ऐसा लगता है मुझे कि ट्वेल्थ वाला पोर्शन जो है आपका स्ट्रॉन्ग है इलेवंथ वाले पोर्शन में आप गलती करते हैं थोड़ा सा ध्यान दो बेटा ना 11, भले ही हो सकता है आपने 11 का पोर्शन पहले ना पढ़ा हो आपने तो इस बार थोड़ा सा अटेंटिव रही है बेटा क्योंकि क्या होगा बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा बेटा आपको है ना इसलिए ना इलेवन ट्वेल्थ दोनों को बराबर ध्यान दीजिए आप है ना ठीक है ना देखो बेटा मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन उसके आधार पर मैं ऐसा बोल रहा हूं ठीक है मोहम्मद कासिम अंसारी शिवांग मोहम्मद की वन फिफ्टी शिवांग के फोर्टी सिक्स है हर्षदा हर्ष मोहम्मद नजीब ठीक है प्रियांश राज अग्रवाल 145 फोर्टी फाइव मार्क्स है इसमें के, ठीक है फिर हम बात करते हैं इसमें नितिज्ञा तिवारी 141, गुंजन 141, रोशन 140, रवि कुमार 140, अभिमन्यु 140 फोर्टी शाहिदा 140, फोर्टी लवलीन कौर वन फोर्टी अनिशा वन फोर्टी आयशा वन फोर्टी मुस्कान वन फोर्टी शुभम वन फोर्टी साक्षी वन थर्टी नाइन योगेश वन थर्टी एट अनुराधा वन थर्टी सिक्स सुभा सुभाजीत दास वन थर्टी सिक्स श्रद्धा वन थर्टी सिक्स वन थर्टी फाइव शुभंकर नायक 135, साकेत 135, थर्टी फाइव आरजू वन थर्टी शाकिफ गोविंदा जीवन ज्योति 135, सुनील अनवी वेला जायदी, महजवी सुभाजीत साहू श्रुति शाहिल अंकिता मइशा फरजना, मइसा फरजना, साक्षी यशवर्धन प्रणोय घोष नुसरत तुषार सायन रूथ मृणमय शेफाली अनस नितिन खुशबू अमरदीप अभिषेक अमित तुलसानी प्रिंस पवन कुमार सिमरन भावेश रितेश, रितेशमाइमा नाज हरीश श्रद्धा शालिनी साई कृष्णा खुशी शशांक खुशी जैन आदित्य डोगरा जुनेद रोहित शालीन, सिद्रातुल मोहम्मद अनस रानू कुमारी प्रखर शिवशंकर दास अचिंत अंशिका ज्योति आदर्श आलोक एश्नीत मलिक मलिका मलिका वर्षा प्रशांत हेमलता अतिंद्र नासिर तेजस्विनी अनामिका पीयूष निकिता अर्चिता प्रेरणा रावत फ्रेजियर फतिमा ये सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म किए बेटा अब एक बात देखते हैं पेपर में कि, कि कितना स्कोर जो है बेहतर था मतलब मैं आपके स्कोर को अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं इस पर हम आगे बात करेंगे पहले पेपर को देखते हैं फिर हम आगे बात करते बेटा ठीक है ना देखो कल के टेस्ट में एक बात मैंने देखी कल के टेस्ट को बहुत सारे बच्चों ने मिस किया बेटा ठीक है ना मतलब आप में से जो अटेंडेंस था टेस्ट के अंदर वो पिछले टेस्ट की तुलना में सिक्सटी परसेंट रह गया था ये ऐसा मत करो बेटा ठीक है मेरे पास फिर बाद में मैसेज भी आया कि सर हमने सॉरी सर टेस्ट मिस कर दिया ऐसा कारण वो नहीं बेटा है ना प्लीज ना टेस्ट हुए डीपीएस हुए आपका परफॉर्मेंस शीट हुए बूस्टर शीट हुए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इनको मिस मत कीजिए आप क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए ठीक है ना चलिए तो हम आते हैं अपने पेपर में बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये पेपर आ चुका है बेटा ठीक है चलो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं इसके हम है। ठीक चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है एम्फी मिक्सिस इसके माध्यम से विकसित से जीव का विकास है एम्फी मिक्स इज डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑप्टेंट थ्रू देखो बेटा एपो स्पोरी में क्या होता है एपो स्पोरी में स्पोरोफाइट से ये वर्ड ध्यान रखना स्पोरोफाइट से मतलब 2n से बगैर मियोसिस के विथआउट मियोसिस विथआउट मियोसिस जो है वो गैमिटोफाइट का विकास होता है और ऐसा गैमिटोफाइट क्या होगा वो 2n होगा वो 2n होगा क्योंकि वो बगैर म्यूसिस के बना होता है तो एपोस्पोरी में क्या होता है स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट का विकास होता है विथआउट म्यूसिस तो ऐसा गेमिटोफाइट 2n होता है याद रखना भूलना नहीं के एपोगेमी की बात करते हैं इसमें क्या होता है बेटा गैमिटोफाइट जो गैमिटोफाइट की सेल होती है गैमिटोफाइट होता है एन होता है हैप्लाइड होता है ये बगैर फर्टिलाइजेशन के स्पोरोफाइट को भी को, डेवलप करता है मतलब ये एक ऐसा स्पोरोफाइट क्या होगा N होगा एन तो यह है हमेशा स्पोरोपोमीड होती है और एपोस्पोरस सेल हमेशा डिप्लाइड होती है तो एपोस्पोरी स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट का विकास विदाउट मियोसिस एंड द एपोगेमी इज द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गेमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन ठीक है तो आंसर होगा नहीं मेल और फीमेलिट का आपस में मिक्स होना जुड़ जाना एम्पी ये सिमी मतलब को रिप्रेजेंट करता है ये फर्टिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर क्या आ गया इसका फ्यूजन ऑफ गैमिट ठीक है ना सिंपल क्वेश्चन था रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व गेमिट फॉर्मेशन इज वो रिप्रोडक्शन जिसमें गेमिट निर्माण भाग नहीं लेता है बेटा तो याद रखिएगा ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गेमिट फॉर्मेशन भाग नहीं लेता है मतलब हम बात कर रहे हैं हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जिसको हम प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं तो ऐसे रिप्रोडक्शन में सारी ऑफिस एक समान बनेगी कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा जब कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन की प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी और इवोल्यूशन प्रॉपर हो नहीं पाएगा मतलब ये है कि दिस इज नॉट एन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन बिकॉज इट प्रोवाइड वेरिएशन एंड वेरिएशंस आर दी रॉ मेटेरियल फॉर द इवोल्यूशन ठीक है क्लियर फिर क्वेश्चन नंबर थ्री ब्रायोफिलम डाइग्रेनो ग्री मॉन्टेनियम मौ, इज करेक्टराइज बाई दी फॉर्मेशन आप तो देखो ब्रायोफिलम के बारे में हमको मालूम है कि ब्रायोफिलम में क्या होता है बेटा जो लीफ होती है लीफ के किनारे पर जो है वो प्लांटलेट्स बनते हैं पूरा पौधा बनने लगता है और वो टूट टूट के नीचे गिरता है और उससे जो है नए प्लांट बन जाते हैं तो हाई लेवल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ पे हमको देखने मिलता है तो आंसर क्या है इसका प्लांटलेट इन लीफ नोच वाइल अटैच टू दी प्लांट के जो लीफ होता है लीफ होती है इस लीफ जो लीफ जो है वो प्लांट से अटैच होती है उसी कंडीशन में उसी कंडीशन में जो है नए वाले पौधे बनने लगते हैं ठीक है ना देखिए एक इमेज भी दे रखा होगा इसमें देखिए ना ये हम ये हम देख रहे के आपको दिखाई पड़ रहा है कि लीफ जो है वो प्लांट से कनेक्टेड रहेगी और उसमें उसके नोचेस किनारों पर आपको जो है वो नए प्लांट डेवलप होते हुए दिखाई पड़ेंगे ठीक है क्लियर चलिए क्वेश्चन थ्री फोर

कैलस कहते हैं के? फिर कैलस में क्या करते हैं रूट और शूट को हम जो इसमें मॉर्फोजेनेसिस को इंड्यूस करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के हम के हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो के? यदि आपके कॉम्बिनेशन में ऑक्सिन का लेवल अधिक होगा साइटोकाइनिन का लेवल कम होगा तो पहले रूट बनेगी कैलस से पहले रूट बनेगी फिर उसके बाद शूट बनेगा तनाव बनेगा यदि आपके 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 मीडियम में कॉम्बिनेशन में कल्चर मीडियम में उसमें यदि मान लीजिए कि ऑक्सीजन का लेवल कम होगा साइटोकॉन का लेवल अधिक होगा तो पहले शूट बनेगा तना पहले बनेगा ठीक है ना ये होती है प्लांट मॉर्फोजेनेसिस्ट के तो यहां पे क्या होता है बेटा हम हार्मोन्स के लेवल को वेरी करके जो है कैलस से जो है वो रूट और शूट को डेवलप कर सकते हैं प्लांट्स के पार्ट्स को हम बना सकते हैं और चूंकि प्लांट्स के पार्ट्स क्या मॉर्फोलॉजी का हिस्सा है तो आंसर क्या है इसका मॉर्फोजेनेसिस ठीक है ना क्लियर टोटी पोटेंसी का मतलब क्या क्यों एक सेल से पूरा प्लांट बन सकता है उसका कहते हैं एंड वॉट इज एम्ब्रॉइड अब कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज आते हैं देखो बेटा ऐसा एम्ब्रियो मतलब होता है कि ऐसा ऐसे ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म या स्ट्रक्चर जो जायोट में माइटोसिस होने के बाद बनता है और जायगोट जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है तो वो एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रॉइड क्या होता है बेटा एम्ब्रॉइड जो होता है वो ऐसा एम्ब्रियो के समान स्ट्रक्चर होता है इट इज एम्ब्रोलाइक स्ट्रक्चर जो जाइट से नहीं बनता है ठीक है तो बेसिकली नॉन जाइिक एम्ब्रियो फॉर्म इन विट्रो कल्चर क्या किया हमने एक सेल को लिया लेबोरेटरी में कल्चर किया हमने ठीक है टिश्यू कल्चर किया मल्टीपल सेल का ग्रुप बन गया और इसको अब हम जो है एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इसको हम एम्ब्रॉइड बोलेंगे हमके तो जो आर्टिफिशियल सीड होते हैं कृत्रिम बीज होते हैं आर्टिफिशियल सीड है उनको बनाने में हम एम्ब्रॉइड का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एम्ब्रोइ पाया जाता है ठीक है ना क्लियर तो इसका संबंध किससे बेटा इसका संबंध भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से ठीक फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो है टर्म पार्थिन इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस तो पार्थिन टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया तो देखो बेटा कई किताबों में इसका कई कई एमसीक्यू बुक में इसका आंसर गलत दे रखा है एक्सप्लेन जानी दे रखा है ठीक है जो कि रॉन्ग आंसर के एक्सप्लेन यानी इज नॉट द राइट आंसर कई बुक्स में गलत आंसर दे रखा है इसका तो मैंने क्वेश्चन इंफॉर्मेशन को सही करने के लिए क्वेश्चन दिया तो टर्म पार्थन जैसे को इंट्रोड्यूस किया था सी वोल्ट और ओवेन ने वॉन सी वोल्ट और ओवेन ने पार्थन जैसे टर्म को दिया इन्होंने क्लियर क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं हम

करना ही पड़ेगा ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है करना ही पड़ेगा मैंडेटरी कोई दूसरा विकल्प उसका नहीं होता है ठीक है ना क्या लिखा है बेटा ये ये आपका जो एनिमल किंगडम है वहां रेप्टाइल्स हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछ पूछता है आपको ये तके? तो ये बड़ी रेंडम जो है वो एक प्रकार से ऐसी जनरल नॉलेज टाइप की इंफॉर्मेशन दिमाग में रहना चाहिए और एग्जाम में पूछा गया है इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ठीक है लिजार्ट दिस रिजर्ट इज दिजार्ट इज अ फीमेल ओनली स्पीसीज किसकी बात कर रहे हैं विप्टन रिजार्ट की रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग एन एग थ्रू पार्थोज के द विप्टल्टेल इंगेज इन मेटिंग बिहेवियर विद अदर फीमेल इन ऑफ इट्स ऑन स्पीसीज गिविंग राइज टू ए कॉमन निक नेम लेल के तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि इनको लेसवियन रिजार्ट भी कहते हैं हालांकि ये एक्चुअल में कॉपुलेशन नहीं कर पाती क्योंकि सब फीमेल ही होती है पर इनको जो है उनमें कॉपुलेशन एक्टिविटी देखने मिलती है जो जो ट्रू कॉपुलेशन नहीं होता है ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर एट सर ट्रोटीपोटेंसी को पहली बार कैरेट तो की सेल को लिया और उसको लेबोरेटरी कल्चर करके दिखाया था तो सर ट्रोटीपोटेंसी को डिमोस्टेड किया था कैरेट से की सेल को लेके पूरा कैरेट का प्राण बनाकर दिखाया था किसने बेटा एफ सी ने आई ठीक है फिर निम्नलिखित पौधों की कोशिकाओं में से कौन टूटी पोटेंसी दर्शाएगा विच ऑफ द्लांट सेल्स विल शो टूटी पोटेंसी देखो टूटी पोटेंसी दिखाने के लिए जरूरी क्या है द सेल मस्ट बी लिविंग सेल लिविंग होना चाहिए एंड मस्ट न्यूक्लियस क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है ठीक है देखो ट्यूब सेल जो है वो लिविंग है पर इसमें न्यूक्लियस नहीं है ज़ाइलम नॉन लिविंग होता है न्यूक्लियस भी नहीं होता है कॉर्क जो है वो नॉन लिविंग होता है न्यूक्लियस भी नहीं होता है आंसर क्या बचा इसका मरिस्टम मरिस्टम इज द लिविंग सेल एंड हैविंग न्यूक्लियस आल्सो, ठीक है फिर क्वेश्चन टेन

पटेटो आर कल्टीवेटेड बाय तो आलू की खेती करने के लिए क्या होता है पटेटो में आपको जो है आइस देखने मिलती है आलू में आपको आईस देखने मिलती है और ये जो आई होती है ये क्या होती है ये बर्ड्स होती है के जो एग्ज ये बर्ड होती है और आलू जो होता है वो क्या होता है वो स्टेम का मोडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको हम ट्यूबर कहते हैं तो आंसर क्या है इसका आया बर्ड्स ऑन द ट्यूबर के ट्यूबर क्या होता है अंडरग्राउंड स्टेम होता है आलू का जिसमें बर्ड पा जाती है एक्सलरी बर्ड्स पाई जाती है और इन बर्ड्स के थ्रू ये प्लांट नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए आपको अब क्या है एक ही क्वेश्चन को दो प्रकार देखो अब इसमें क्यों पूछा दिया आपने यहां पर एक गलत का दूसरा गलत तब का होना है ठीक है अब ये क्या होता इस है इससे इंफॉर्मेशन दिमाग में है हालांकि क्वेश्चन जो है वो एक प्रकार से जो है वो डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन को रिपीट किया गया जस्ट टू

पेनिसिलियम में देखो देखा था ना दे, डायग्राम वाला मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था में डायरेक्ट हाइफ़ी के ऊपर डायरेक्ट लगते हैं वो में होती है भी के। और मैंने कहा वाटर हाईसीन हाई हाई थे ठीक है वाटर हाईसिन थे, हाई थे, हाई थे तो इसमें क्या होता है ऐसा इसमें जो है वो ऑफसेट होता है इसमें ऑफसेट होता है ये ऑफसेट होता है और ये ऑफसेट टूटने के बाद जब तोड़ते हो तो इससे नए नए वाटर हाइसिंथ बन जाते हैं क्योंकि वाटर हाइसिंथ में वेजिटेटिव प्रोपिकेशन का रेट काफी हायर साइड होता है इसलिए जितना इस प्लांट को तोड़ के आप हटाने की कोशिश करते हो उतना तेजी से यह बढ़ने लगता है ठीक है एनिमल्स विच पजेस क्लिडोइक एग एग वाले एनिमल में क्या होता है बेटा आपको एक टफ जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एग शेल आपको देखने मिलेगा एग शेल आपको देखने मिलेगा रेप्टाइल्स के अंडे इस प्रकार के होते हैं पक्षियों के अंडे इस प्रकार के होते हैं तो जो ज, ऐसे एनिमल जो क्लिडोइक एग रखते हैं वो क्या बतलाते हैं वे इनडायरेक्ट जो इंड सॉरी नॉट इनडायरेक्ट इट इज इट शो द इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है चाहे वो रेप्टाइल्स की बात करें हां, चाहे हां हम चाहे हम बर्ड्स की बात करें उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है और लेकिन डेवलपमेंट जो होता है ना जो अंडे होते हैं उसमें डेवलपमेंट एग के अंदर होता है

कनेक्टेड टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जुड़ा हुआ है गैमिट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमिट होता है जेनिटेलिया मतलब ये सेक्स ऑर्गन होते हैं गोनाट्स जो है वो दे आर बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जेनिटेलिया क्या होते हैं जेनिटेलिया एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं मेल और जिसमें पहले का पेनाइस हुआ वजाइना हुआ के और गोनाट्स क्या होते हैं टेस्टिस और ओवरी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो गोनाट्स कहलाते हैं और जेम्यूस क्या होते, है? होते हैं ए सेक ये मॉडिफाइड वर्ड होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं जैसे स्पोंजेस के अंदर हमको जेम्यूस देखने मिलते हैं पढ़ा है हमने ठीक है इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड कहा ग्लैंड नहीं होती तो मैंने आपसे कहा था कहाजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होती है के अंदर जो भी होता है वो सिक्रेशन कहां से आता है वो सर्विक्स से आता है वो यूट्रस से आता है और सर्विक्स से आता है तो वेजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होती है ठीक है We need your support, so please take subscription to become an official क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अब देखो इस क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में कई सारे बच्चे जो है वो सिली मिस्टेक करते हैं ठीक है अब आप में से किसने ये सिली मिस्टेक किया मुझे बताना जरूर आप ना? ये सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है कैसे करते हैं हमें वालों में

जो क्रोमोजोम है उसके एक क्रोमोसोम सेट में कितने क्रोमोजोम होंगे ठीक है तो सिंपल सी बात है कि 2n 2n में 44 में फोर्टी फोर ठीक है तो एक सेट में कितना होगा बेटा एक सेट मतलब एन की बात करा उसमें होगा ट्वेंटी होगा क्लियर तो मतलब बेसिकली आपको सेट बताना है तो आपको ने क्या कंफ्यूज करने की कोशिश की यहां पे 18

ये ऑप्शन क्या दिया इसने? ए सॉलिड ऑफ ऑफ सेल है तो वहां पर ओवरी में ऐसा नहीं होता है ठीक है आईलैंड ऑफ जर्म सेल प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स नहीं जर्म सेल के आइलेट्स कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स में बेटा नहीं पाया कि ये बाकायदा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है वो बनते हैं

Cells at the tibule, के बोल रहा है एक ट्यूब है और इस ट्यूब की में यहाँ पर आपको डिवाइडिंग और न्यूट्रीट सेल देखने तो सरटोली सेल की बात कर रहा है और इस सेल्स की बात करता हूं तो सही आंसर क्या इसका सामान्य फिर ट्रिब्यून नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है कि ह्यूमन एमरॉडी डेवलपमेंट का सही क्रम क्या होगा के सही सिक्वेंस क्या होगा

इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन जिपमर में पूछा गया है बेटा ठीक है ये क्वेश्चन एम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है तो याद रखिएगा है तो ब्लास्टोसेल गैस्ट्रोसेल न्यूरोसिस न्यूरोसिस्ट और नोटोकॉर्ट के ये सही सीक्वेंस है फिर ह्यूमन क्रोनिकॉफिन एसपी एस्सी, एस सी सीजी

द फर्स्ट टाइम इन दी नाइन मंथ ये भी गलत है फीटस के मूवमेंट जो है इससे पहले ही आ चुके होते हैं एग्जैक्ट डेट आप देखिएगा उसमें जो एनसीआर क्योंकि जो जो मेरे पास जो फिगर मुझे याद आ रहा है वो फिगर आपके एनसीआर से मैच नहीं करता है तो इसलिए मैं गलत फिगर बोलना नहीं चाहता हूं पर मैं क्लास को बताया था मैंने शायद मुझे ध्यान है एनसीआर में फर्स्ट मंथ लिखा है ह्यूमन हार्ट के लिए और जिन्होंने फिफ्थ मंथ लिखा हुआ है मूवमेंट के लिए पर प्लीज काइंडली प्लीज चेक इन एनसीआरटी ठीक है फिर HPL has major role in part. HPL का partition में कोई role नहीं होता है कि HPL का there is no role in the partition. वो तो partition में role play नहीं करता है ठीक है ना क्लियर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है ना ठीक है HPL का partition में कोई role जो है वो नहीं होता है बेटा ठीक है और signal देखो ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत तो है से और होते हैं, उसे क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं क्या बोलते हैं बेटा उसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होते हैं वो हमको देखने मिलते हैं तो सही आंसर क्या हो गया इसका डेल्टा डी हो गया सही आंसर ठीक है फिर ट्वेंटी टूट

ठीक है तो ये टर्मोलॉजी हमने नहीं लिया था बेटा हमने बाकी हमने सब पढ़ा के एंड वी ऑलरेडी स्टडीड ए लॉट अबाउट इन, इन दी क्लास लेकिन हमने इस टर्म को इस्तेमाल नहीं किया था ये हमारी गलती थी कि हमने ये टर्म नहीं बताया आपको ठीक है ना तो लेकिन मैंने ये क्वेश्चन देके उस गलती को करेक्ट करने की कोशिश की है ठीक है ना बेटा है ना ठीक देखो बेटा मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूं कि कोई हिस्सा कोई ऐसी चीज ना छूट जाए हमसे जो एग्जाम में आती हो जिसमें हम गलती कर बैठे तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी थी लेकिन इस टर्म का इस्तेमाल मैंने नहीं किया शायद मुझे लगता परफॉर्मेंस शीट में मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया इसीलिए इसलिए मैं परफॉर्मेंस शीट को थोड़ा सा आप जो है वो क्वेश्चन पे मैंने आपको आप आ, जो परफॉर्मेंस शीट बनती है ना उसके लिए हम लोग कई सारे क्वेश्चन को देख के फिर इन्फॉर्मेशन को निकाल कर तैयार करते हैं उसको तो एक बार देख लिया करो उसको भी ठीक है फिर

एल एच चाहिए से आपको आपको से से आएगा? से बन के आएगा. FSH और आएंगे वो से आएगा. तो आंसर क्या होगा? इसका ठीक है. वन ऑफ दी फॉलोइंग सेल सीक्रेट हार्मोन कौन सी सेल हार्मोन को सीक्रेट करती चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें.

फिर ग्लाइकोप्रोटीन फर्टिलाइज फर्टिली फर्टिलाइजिंग कहां होता है ये होता है ओवम पर होता है बेटा और एंटी फर्टिला फर्टिल कहां पर होता है ये आपका होता होता है है स्पर्म पे ठीक है ना तो ग्लाइकोप्रोटीन ओवम रिलीज करता है एक्टोडर्म से क्या अब इसका भी मैंने आपको बकायदा परफॉर्मेंस शीट दिया हुआ है चार्ट दिया हुआ है और सबसे बेकार क्वेश्चन है बाई गॉड के मतलब मैं आपसे आप मुझसे पूछेंगे ना मैं यही बोलूंगा कि सबसे बेकार क्वेश्चन ये वाले लगते हैं मेरे को भी लगते हैं बेकार समझ सकता हूं आपके दिल की भावना कि क्वेश्चन अच्छा नहीं है सर ये ना पर बेटा मैं आपको क्यों दिया क्वेश्चन है अच्छा नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है ना तो हमारे अच्छे बुरा हो, लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर तो पूछेगा तो हमको आना चाहिए इसलिए जो गिनी चुनी चीजें है ना उनको बार बार मैं आपसे पूछता रहूंगा बार बार ताकि जिसके चलते ये आपको याद रह जाए तो इसमें मैंने कहा टीथ का, का एनामल है नैल है एडल मेडुला है और ये सब जो से ओरिजिनेट करते हैं बेटा ठीक है ना क्लियर Okay. अब इसमें क्या है आपको बाकी में से कॉर्नर मिल जाएगा कुछ कुछ एक, -एक हिस्सा मिलेगा बाकी जो है आपको वो एक्टिटर्म सेक्टोटर्म से ऑरिजिनेट होते।, सब सब से होते हैं फिर ट्वेंटी लेवलिंग, लेवलिंग को, लेवलिंग को को है डायग्राम दिया गया सही लेवलिंग को चुनने को बोला गया के। देखते हैं सही लेवलिंग क्या इसमें अब सबसे पहले देखें सबसे पहले हम रहे हैं कि पहले तो बताओ कि यह स्ट्रक्चर है बेटा ब्लास्टोसिस्ट है क्या ये ब्लास्टोसिस्ट दिखाई पड़ रहा है यहां पर ठीक है ना हाँ ठीक है एंड जस्ट जस्ट बिफोर दी इंप्लांटेशन में दिखाई पड़ रहा है तो हमने क्या कहा हमने कहा ये बाहर वाला फर्स्ट क्या हो गया ये हो गया आपका ट्रोफोब्लास्ट हो गया जो अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है ठीक है थर्ड क्या हो गया इनर मास हो गया और ये ब्लास्ट बेसिकली गेस्टुला गेस्टोरे में गेस्टूला में कन्वर्ट होगा बेटा और ये क्या हो रहा है आपका ये दिखाई पड़ रहा है आपको, आपको दिखाई जो है वो नॉट आर इट इज द्लास्टोसील कैटी ब्लास्टोसिस्टस ये ब्लास्टोसिल तो कैविटी होना चाहिए ठीक है ना तो आंसर क्या इसका है? है इसका आंसर है फर्स्ट है इसका ट्रोफोब्लास्ट बिल्कुल सही है ये अटैचमेंट में हेल्प करता है सेकेंड है ब्लास्टोशील क्योंकि इसलिए ब्लास्टोशील दिखाई पड़ रहा है एंड इनर हमको दिखाई दे रहा है जो एक्चुअल एम्ब्रियो को बनाता है ठीक है

Which one is the safest method for of birth control after having one or two टू के बच्चे होने के बाद बर्थ कंट्रोल की सबसे अच्छी विधि होती है आईयडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं और हाँ नहीं बच्चों में मैं गलत बोल दिया था आईयूडी तो ऑप्शन में ही नहीं है ke, inter, मैं क्लियर कर इत के मैंने जो बोला वो गलत नहीं है ke, बच्चे होने के बाद में आ, बच्चों में गैप रखने के लिए सबसे अच्छी डिवाइस होती है आईयूडी होती है ठीक है, देन ओरल पिल्स होते हैं क्योंकि बैरियर मेथड में कई बार जो है व्यक्ति यूज नहीं करे तो उसमें जो है वो चांसेज ऑफ प्रेगनेंसी रहते हैं कि यूज करने पर नहीं होंगे लेकिन वो कभी यूज करना मान लो भूल गया किसी कारण से तो वो वहां दिक्कत हो सकती है इसलिए ऐसी मैथड को अच्छा बनाया जाता है जो जिसमें भूलने की संभावनाएं ना हो तो इज डी गुड मैथड के लेकिन तो अब

हम क्या करते हैं या फिलोपिन ट्यूब में कोई को जो है वो जहां से ओवम कलेक्ट करना वहां पे कोई फॉल्ट है तो हम क्या करते हैं इस स्पर्म और ओवम को फिलोपिन ट्यूब में पास पास में रख देते हैं और ताकि वो फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ा सके तो बाकी ऑप्शन को देखते हुए बाकी ऑप्शन को देखते हुए बेस्ट मेथड जो है वो, वो बेस्ट आंसर का ए है इसमें ठीक है कई बच्चे सी से कंफ्यूज होते हैं बेटा परंतु सर्वाइकल केनाल कितना भी नैरो हो तो इतना नैरो नहीं हो सकता है कि स्पर्म पास ना कर पाए उससे ठीक है इतना नैरो होगा तो बच्चे का जन्म ही नहीं हो पाएगा ना सर्वाइकल केनाल ही तो आगे जाके बर्थ केनाल बनता है

ठीक है जायोगिक इंट्राफिलोपिन ट्रांसफर दिस इज दयाचुअली हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। बोलते है इसको ऐसा बोलते, है बोलते हैं जो कि बड़ा फेमस मेथड होता है लेकिन एक्चुअली में इसमें हम जो है वो एट टू सिक्सटीन सेल एम्ब्रियो को वहां पर हम इंप्लांट करते हैं फिलोपिन ट्यूब में छोड़ते हैं इससे अधिक सेल का होने पर उसको एट सेल का होने पर हम फिलोपिन ट्यूब में छोड़ते हैं और इससे अधिक होने पर उसको हम यूट्रस में छोड़ते हैं उसको इम्प्लांट होने के लेट के, तो बेसिकली मतलब इनिशियली डेवलप को ट्रांसफर करते हैं तो तो आंसर आंसर जो है वो टेस्ट प्रोग्राम में क्या बेस्ट तो कई बार क्या होता है आंसर क्लोज मिलता है आपको लेकिन बेस्ट आंसर क्या है वो आपको चुनना होता है ना क्लियर थर्टी सिक्स सेक्सुअली डिजीज अफेक्टिंग बोथ मेल एंड फीमेल जेनेटल विच ऑफन डैमेजेस आईज ऑफ बेबीज बॉर्न टू इन्फेक्टर मैंने कहा था आपसे कि जो जो गोनोरिया होता है गोनोरिया में क्या होता है जब बच्चे का जन्म होता है बर्थ केनाल से बच्चा निकल जन्म होता है तो उसकी आंखों प्रेगनेंट मदर मदर के को चूंकि गुनोरिया होता है तो बच्चे के उसकी बीमारी का नाम एक अच्छा सा नाम होता है मैं नाम भूल रहा हूं उसका तो उसे जो है वो हम लोग पढ़े हैं उसका नाम बीमारी का एक नाम होता है उसमें गुनरा के चलते बच्चे की दोनों आंखों में बड़ा बड़ा सा का, काफी सारा पस जमा हो जाता है उसमें ठीक है तो जो आई जो आंखों बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचाता है तो ये गोनोरिया में याद में याद रखिए देखने मिलता है ठीक है विच कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मैक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर द्लान इम्प्लांटेशन के कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है यूट्रस को इम्प्लांटेशन uh, के लिए अनसुटेबल करता है तो वो वो डिवाइस होता है बेटा हार्मोन इन, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी दे आर वेरी इफेक्टिव ये यूट्रस के इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं देखिए जो कॉपरटी होता है वो क्या करता है वो कॉपर आयन रिलीज करता है जो जो स्पर्म के लिए फेगोसाइटोसिस को बढ़ाता है ठीक है और यूट्रस की कंडीशन को इम्प्लांट के लिए जो है वो इम्प्रॉपर करता है लेकिन प्राइमरली क्या काम होता है, है? फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है ठीक इसके अलावा जो है वो ऐसा ही होता है नॉन मेडिकेटेड आई यूज़ करेंगे वहां भी जो है वो क्या होता है कि फॉरेन बॉडी के होने कारण फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है इसलिए फेगोसाइटसाइटिस होता है इस पर जो है वो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं लेकिन हार्मोन रिलीज और इन सारे आई में सबसे इफेक्टिव आई जो होता है वो होता है हार्मोन रिलीजिंग आई होता है जैसे मैंने कहा जो है जो है एल एन ट्वेंटी की बात करें हम प्रोजेस्टासाइट की बात करें हम तो ये क्या करता है ये, ये यूट्रस के इंटर इन्वायॉर्मेंट को कंप्लीटली चेंज रखता है जिसमें कि इम्प्लान्टशन की संभावनाएं नहीं होती हैं

तो इस पेपर में यदि आप देखेंगे तो इन फोर्टी क्वेश्चन को हम देखें यहां पे तो इन फोर्टी क्वेश्चन में से हार्डली मैं आपको बता दूं कि जो है कितने क्वेश्चन आपके जो है वो गलत हो सकते थे इसमें से देखो बेटा है ना आप बिल्कुल ईमानदारी से मैं आपसे बोलूं बेटा तो इस पेपर में जो है पेपर जो है वो इतना कठिन पेपर ये नहीं था पेपर जो है आसान था मोस्ट ऑफ सी चीजों को रिवाइज किया गया है। अब जो है ये चैप्टर जो होगा अभी देखो अभी क्या हुआ कि अभी हम जैसे हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया ये तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं तो अब क्या होगा अब जो टेस्ट होंगे ना उनमें जो करंट चैप्टर है उसके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आएंगे ठीक है तो लेकिन इन हिस्से से भी क्वेश्चन जहां जहां टेस्ट का सिलेबस उस अकॉर्डिंग इन हिस्से से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ठीक है ना इसमें आपको बता दूं मैं कि इसमें ईमानदारी से तो क्वेश्चन में तो वहां गलत करने की संभावना नहीं है तो आप मानकर चलिए कि ये जो पेपर है वो कितना है इसमें फोर्टी क्वेश्चन है मतलब ये वन मार्क्स का पेपर था इसमें दो क्वेश्चन हमने कम किए इसमें से हमने गलत किया आपने। तो जिन बच्चों के 150 मार्क्स हैं या मैं चलो मैं वन फोर्टी फाइव करता हूँ उनके 145 मार्क्स हैं या उससे ऊपर मार्क्स है टेस्ट में आपके दे ऑल आर डूइंग गुड वेरी गुड के दे आर टॉपर टू मी कि उनको मैं एक रैंक के बराबर ही मानता हूं ठीक है तो बाकी बच्चों को बेटा सोचना पड़ेगा कि गलती कहां कर रहे हैं उनके क्या हम प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पा रहे चीजों को हम हम टेस्ट में क्या घबरा जाते हैं क्या हम टेस्ट में सिली मिस्टेक कर देते हैं क्या छोटी छोटी कॉन्सेंट में कन्फ्यूज आते हैं तो यदि ऐसा हो रहा है तो आप और डीपीएस को डीपीएस को भी टेस्ट समझ के लगाइए मैंने बोला वो आपने बोला ना आपने से कई बच्चों ने बोला है सर डीपीएस में भी टाइमर लगवा दीजिए ताकि हमें समझ में आए कि हमने कि जो है वो आ, कितने टाइम समय में डीपीएस सॉल्व किया तो बेटा काम चल रहा है काम चल रहा है जैसे पूरा होगा मैं आपको बता दूंगा ठीक है अपडेट आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा अभी लेकिन बेटा है ना पढ़ो क्योंकि देखो ये हर एक टेस्ट को एक एग्जाम समझिए और गंभीरता से लीजिए ये आपके भले के लिए होता है आपके सीखने के लिए होता है ठीक है बेटा चलो ना तो मेहनत करते रहो बेटा पढ़ते रहो बगैर घबराए पढ़ते रहो लगातार और मतलब मैंने कहा ना बेटा हमको क्या चाहिए या यार, वन से लेके फिफ्टी सारे बच्चे हमारे होना चाहिए ठीक है तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल द बेस्ट हाई To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store.